हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये जो हिस्ट्री की आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, उसी के ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं। सेकंड लेसन के हैं, ठीक है, थर्ड के, फोर्थ की, जो जो आ रहे हैं ना फर्स्ट टर्म में, तो उन चैप्टर के कुछ हैं। बाकी आप चैप्टर को तो डीपली पढ़े ही पढ़े, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप सारे के सारे आंसर इजीली दे सकते हैं। जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है, वो अपने आंसर इसे पढ़कर देखें, उसे कितना सही आता है, ठीक है। ऑप्शन ना देखें पहले, आंसर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन के बिना ही पता लगाएं क्या होगा, फिर मैच करें। मैं सारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और बहुत सारी आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चैप्टर डीपली पढ़िए, ठीक है, बुक के ही हैं, ठीक है। कई बच्चों के पास जो है ना मटेरियल थोड़ा नहीं है, तो इससे उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बाकी थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर ज़रूर डीपली पढ़िए, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे से चैप्टर पढ़ के ना क्वेश्चन पूछिए, जिससे क्या होगा, ज़्यादा लर्निंग अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। ओके, तो ये आप आराम से वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम जो मेरा चैनल है एएससी स्टार्टर, उसके अंदर भी मैं इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी जो भी और चीज़ें आती रहेंगी मैं वीडियो के थ्रू पहले आपको सबको बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है टेलीग्राम पर भी अपडेट कर दूँगा। ओके, और खूब मन लगा के पढ़िए, पेपर जब आएंगे पता भी नहीं चलेगा, तो पहले से तैयारी होगी तभी अच्छा हो सकता है, ठीक है। इतने ही थे, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी सब्जेक्ट्स के जैसे जैसे मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा।